वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पांच ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले जिनको सुन के आप ऐसा बोलोगे, भाई क्या मजाक चल रहा है भाई, और मैं यहाँ से जवाब दूंगा आपको तो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन और यूनिक से फैक्ट्स होने वाले हैं, जिनके बारे में आई डोंट थिंक आप में से किसी को भी पता होगा। और एक बात करेंगे गिव अवे की, जिसके लिए आप प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जीजे से काई जीजे होसा, e essa aqui é mais uma, nem preciso falar. Ó, अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसका आई डोंट थिंक आप में से किसी को भी पता होगा। क्या आप सबको ये चीज पता है कि जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था, तब उस टाइम पे जब हम वॉल के करीब जाते थे तो वॉल ट्रांसपेरेंट हो जाता था? क्या आप सबको ये चीज पता था? मेरे को कमेंट्स में पहले ही बोलना, ठीक है? तो चलते हम बहुत टाइम पहले और मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कैसे हम वॉल के करीब जाते थे और वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाता था, ठीक है? यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मैं स्लो मोड भी लगाता हूँ तो आप सीधे देख सकते हो कैसे हम वॉल के करीब जा रहे हैं, और वहां पे आपको सीधे दिख रहा है आर पार के वॉल के उस पार क्या है। क्या आप सबको ये चीज पता थी? आई डोंट थिंक आप में से किसी को भी ये चीज पता होगा। नहीं था ना पता तो इसी बात पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसके बारे में भी आई डोंट थिंक आप में से किसी को पता होगा। क्या आप सबको ये चीज पता है कि फ्री फायर में सबसे पहले ब्रिज कहाँ पे बना था? सबसे पहला ब्रिज, नहीं है ना पता, सच बोलना, ठीक है? तो सबसे पहला ब्रिज जो है वो प्लांटेशन से लेके रिवर साइड तक बना था। क्यों बना था ये सबसे पहले? क्योंकि फ्री फायर में इसके अलावा, इस जगह के अलावा कहीं और पे ब्रिज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैप बहुत छोटा था और सेंटोसा वगैरह नहीं था। आप में से बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ब्रिज कहाँ पे है एक्चुअली, तो आइए आज के टाइम में दिखाता हूँ ये ब्रिज कहाँ पे है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला ब्रिज है जिसके साइड में आपको अभी फेंसेस देखने को मिल रहे, तब फेंसेस नहीं थे, तब बहुत ही कच्चा सा था वो, लेकिन यही वाला ब्रिज था। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना, एकदम यूनिक है ना भाई लोग। अब बात करते हैं हमारे थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या आप सबको ये चीज पता है कि जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था, तब एडम कुछ और था दिखने में और अभी के टाइम में एडम कुछ और ही है दिखने में, ठीक है? क्या आप सबको ये चीज पता है कि एडम का शक्ल चेंज कर दिया गया था, लेकिन ईव का शक्ल अभी तक चेंज नहीं किया है। ईव स्टार्टिंग से ही एक लोता कैरेक्टर है जिसका शक्ल अभी तक एक जैसा ही है। तो स्टार्टिंग में एडम कुछ ऐसा था दिखने में, फिर जाके ऐसा हो गया, ठीक है? अभी मैं आपको लॉबी में भी दिखाता हूँ पुराने एडम्स की लॉबी, ठीक है? तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया कि ये शक्ल चेंज करनी पड़ी? तो रीजन यही था, जब फ्री फायर थोड़ा स्टाइलिश हो गया तो इसी के साथ साथ एडम को भी थोड़ा स्टाइलिश बना दिया, क्योंकि एडम तब इकलौता कैरेक्टर था मेल कैरेक्टर गेम में और ईव इकलौती फीमेल कैरेक्टर। लेकिन कुछ ही टाइम पहले आप सबको ये देखने को मिला कि एडम और ईव का नेम भी चेंज हो गया। वो क्यों हो गया नाम चेंज, उसके बारे में भी मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि जो एडम और ईव है, ये जो दोनों नाम है, इनकी बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट की जाती है मुस्लिम और क्रिश्चियंस में, तभी जाके फ्री फायर ने दोनों के नाम चेंज कर दिए, क्योंकि वो किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो हर्ट नहीं करना चाहता। क्या आप सबको ये चीज पता था? अगर पता था मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना भाई लोग। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसके बारे में भी आई डोंट थिंक आपको पता होगा। आई नो, अब आप झूठ बोलोगे कि आपको पता था, नहीं करना है ऐसा, ठीक है? सच बोलना कि आप सबको ये चीज पता था कि फ्री फायर में पहले यूएसपी गन जो है वो डेजर्ट ईगल से ज्यादा बेटर चलती थी, फिर बाद में जाके नो डाउट डेजर्ट ईगल अच्छा हो गया था, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यूएसपी का रेट ऑफ फायर, यूएसपी का डैमेज डेजर्ट ईगल से ज्यादा यहाँ पे चल रहा है, जो कि एनिमी के पास डेजर्ट ईगल था। यहाँ पे आप स्लोमो भी आप इसको देख सकते हो, लेकिन फिर जाके सीजन 3 में डेजर्ट ईगल, फ्री फायर ने जो है डेजर्ट ईगल को इम्प्रूव किया, थोड़ा चाहा कि थोड़ा अलग गन बने ये हैंड गन, लेकिन फिर जाके डेजर्ट ईगल बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया था, और फिर जाके सीजन 3 में डेजर्ट ईगल। आप सबको ये चीज पता था? अगर पता था मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। क्या आप सबको ये चीज पता होगा? मैं लेकिन बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा। क्या आप सबको ये चीज पता है कि फ्री फायर में जो पहला मैप लॉन्च हुआ था, वो अभी के टाइम से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा अलग अलग नाम थे मैप पे। जैसे हम बात करें भीमा शक्ति स्ट्रिप की, तो पहले भीमा शक्ति स्ट्रिप का नाम था स्ट्रिप टाउन, जो भीमा शक्ति का टॉवर है वहां पे नाम था यूटिलिटी, जो कैटलिस्टिवा है वहां पे नाम था स्क्वाड वैली, जो कि आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो हैंगर का साइड था, जो कि हैंगर है वहां पे हमें क्लॉक टॉवर था। फैक्ट्री से तो रोड एक ही आ रहा है, आप देख सकते हो फैक्ट्री से रोड एक ही आ रहा है दोनों मैप में, ठीक है? लेकिन आगे जाके देखो नाम कैसे चेंज हो रहे, जो पीछे रैकेज है वो भी हटाया गया, वेयर हाउस है वो भी हटाया गया, हैंगर को थोड़ा साइड पे लिया गया, वहां पे क्लॉक टॉवर आ गया। तो इतनी ज्यादा मैप
पे चेंज आई थी जो मैप फार्म आपको आपको ऊपर देखने को मिलेगा, वहां पे अभी ग्रेवयार्ड है। आउटपोस्ट के साइड से आपको एक और जगह देखने को मिलेगी जो कि ऑब्जर्वेटरी। बहुत ही ज्यादा चेंज लाई गई इस मैप में, पीक तब लॉन्च नहीं हुआ था। तो क्या आप सबको ये चीजें पता थी? अगर पता थी मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। अब बात करते हैं आप गिव अवे कैसे जीत सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, वहां पे आपको क्लिक करना है और आ जाना है इंस्टाग्राम पे। वहां पे आपको फॉलो करके एक स्टोरी मिलेगा जिसपे आपको अपना यूआईडी देना पड़ेगा और मैं कुछ बंदों को वहां पे सेलेक्ट करके फ्री डायमंड्स दूंगा। तो यही था इस वीडियो में, चलता हूं अभी के लिए, बाय बाय, आई लव यू ऑल।